शारदा के साथ खेल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी मैं एकदम अभी अभी सो के उठा हूँ। सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, इतनी अच्छी नींद आती है, लेकिन मजबूरी रहती है उठने की क्योंकि क्लिनिक जाना रहता है। अभी यह है कि आज मौसम भी ख़राब है, 2-3 दिन से मौसम ख़राब चल रहा है, कोहरा आ जाता है सुबह सुबह। अभी धूप निकल आएगी 11 बजे तक, तो अभी तो 10 बजा है। और इधर गुड्डू का वही है कि सो रहा है, सुशील अपना तैयार हो गया है क्लिनिक के लिए, आज पापा चले गए सुबह सुबह। और इधर थार बढ़िया अपना खेल रहा है, हरकतों से खेलता है, पूरा बिस्तर अपना एकदम से बिगाड़ रखा है, और जो इसका चादर ओढ़ने के उसको चबा रहा है। देखिए जो है इसकी सारी हरकतें। आज मौसम अभी ठीक हो गया है थोड़ा थोड़ा, आज जब कोहरा निकल जाता है तो हमारे घर में आग जल जाती है। शारदा नाश्ता के लिए तैयार कर रही है, क्या बनाओगे शारदा नाश्ता में? गोभी पराठा। हमारे घर में सुबह पराठे का नाश्ता होता है, आलू पराठा, गोभी पराठा, ये पराठा, वो पराठा। ये एकदम मगन है, सारी हरकतें यही करके करता है। अच्छा खाता है, खटोला उधर पड़ा हुआ तो किनारे साइड, लेकिन इसे मैं कूद कूद के ऐसा कर दिया। 2 दिन से मेरा ब्लॉग कोई आ नहीं पाया क्योंकि मुझे कहीं जाना था, ट्रैवलिंग ब्लॉग लेके आना था, इसी वजह से 2 दिन का ब्लॉग बना नहीं मेरा, लेकिन मैं जा ही नहीं पाया। वही प्रॉब्लम मेरे दोस्तों वाली, किसी को टाइम ही नहीं है, नहीं जा पाया, तो इसीलिए 2 दिन से ब्लॉग लिया, लेकिन अब डेली ब्लॉग आएंगे डेली। चलिए मैं भी हो जाता हूँ रेडी क्योंकि 10 बज रहा है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो फट से भी नहा धोना है, तो रेडी हो जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी मैं तैयार भी हो चुका हूँ, मेरा नाश्ता भी हो चुका है, तो अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो चलते हैं क्लिनिक, क्योंकि फ़ोन आ जाएगा क्लिनिक से डॉक्टर साहब का कि अभी तुम आया नहीं, तो मिलते हैं आज, मैं क्लिनिक में आप लोग से मिलाऊंगा। ये देखिए थॉर, आज को थॉर मैं दिखाता हूँ बिना जैकेट के, शारदा के साथ खेल रहा है। वैसे कूदना खिला दो बस, कोई ले लो बस, कूदता रहेगा, जंप करता रहेगा। चलिए इसको खेलने देते हैं, मिलते हैं हम लोग क्लिनिक में। तो क्लिनिक मेरा हो गया ख़त्म, टाइम अभी हो रहा है 2:30 बज रहा है दोपहर के, और मैं क्लिनिक का कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं जब से क्लिनिक आया सुबह बिजी हो गया, मतलब आज पेशेंट भी जा रहे थे तो काफ़ी बिजी हो गया, तो मैं ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाया। तो अभी यही है कि क्लिनिक बंद हो गया, अब जाना है घर। घर मेरा बहुत दूर नहीं है, बहुत पास है, मैं घर आ सकता, क्लिनिक के बीच में भी घर चला जा सकता हूँ, क्लिनिक आ सकता हूँ, तो इसकी दिक्कत नहीं है। कभी फिर से दिखाऊंगा, पूरा क्लिनिक का ब्लॉग बनेगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं घर, सारा यहाँ का रख दिया है, यहाँ जो सामान रखा रहता है कुर्सी में, जो भी अंदर रखने रहते हैं, तो अभी सारा रख दिया क्लोज करके, मुझे ही बंद करना रहता है, तो क्लिनिक बंद करके चलते हैं घर, मिलते हैं हम लोग शाम को घर पे। वेल अभी बज रहे हैं शाम को 6:30 और अभी चाय का समय हो गया है, तो अभी शारदा चाय बना रही है और साथ में कुछ और खाने के लिए चाय के साथ। और इधर इस वाले कमरे पे आज हमारी मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, उनको बुखार आ गया है, पैर में थोड़ा दर्द वर्द हो रहा है, सर में। जो मम्मी लेटी हुई हैं, बस अभी उठी हैं, सुशील अभी तक पैर दबा रहा था, अभी तक गुड्डू दबा रहा था। ठीक हो गया सुशील पैर दबा के लेट गया है, गुड्डू अभी छोड़ो उसका, दे इसका ले जाओ, जाओ अब थोड़ा दबाएगा, पैर थोड़ा नीचे यहाँ आओ, अब ये सोएगा बाप, इधर का कहिए इसे।
ऐसे ही सोता रात में भी ऐसे सोता ही दो बम उधर करके मुधर करके ताई मम्मी उठ गई है ये गुड्डू आज इनको पहली बार आप देख रहे हैं घूमते हुए नहीं हरदम बिस्तर में जराते हैं पबजी खेलते हुए ना करो ना किचन में चलते हैं शारदा भी दिख नहीं रही चाय चढ़ी हुई है कुछ बनाने का प्लान है चाय देखिए चाय चढ़ चुकी है लाइट नहीं लग रही ज़्यादा चलिए अभी चाय बन जाए फिर मिलते हैं हम लोग की चाय हो गई है रेडी चाय के साथ बना है चिप्स घर का चिप्स बना है इधर थोर लेट गया नीचे इसको भी कुछ मिलेगा खाने को रखा था खा लेना खाने को दो चलो चाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से अभी रात के बज रहे हैं 10 और खाना भी हम लोग का बना नहीं है ना ही थोर का बना हुआ है थोर यहाँ पे चुपचाप सो रहा है सोते समय इसे कुछ भी करो ये कुछ कोई हरकतें नहीं कर सकता इतनी गहरी नींद में सोता है कुछ भी कर लो आजकल ये सोता बहुत है देर तक सोता रहेगा सुबह पॉटी करके आएगा उसके बाद भी ये भी सो जाएगा फिर 10-11 बजे खाना खाएगा फिर दोपहर में खाना खाएगा और दिन भर फिर तभी शाम को खेलने के लिए निकलता है अभी शाम तक बना रही है खाना अभी बना नहीं है और अभी मैं भी आया हूँ बाहर से घूम घाम के गुड्डू उधर बैठा मतलब लेटा हुआ है पबजी खेल रहा है इधर सुशील भी कुछ कर रहा है हम लोग टीवी वाले कमरे पे हैं अभी अभी आवाज़ आई है शारदा की थोर आओ मतलब थोर का खाना रेडी हो चुका है तो देखते हैं आज क्या है थोर खाने में आइए दिखाते हैं देखो पीछे शारदा खिलाने लगी है और एकदम वेट कर रहा है खाने का आज इसको है आलू की सब्जी मटर आज इसको सब्जी और रोटी दी जाएगी रात में ये किस तरह लेट गया है अपने खाने का वेट कर रहा है ये है आज इसका खाना कितनी रोटी है पांच रोटी हैं और इतनी सब्जी आजकल पेडिग्री कुछ खा ही नहीं रहा सिर्फ रोटी घर ही का खाना खा रहा है तो और खाना खा लेगा उसके बाद हम लोग भी खा लेंगे आधे घंटे बाद तो ब्लॉग को यहीं से एंड कर देते हैं मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग